क्या आप भी एक ऐसे होम रेमेडी की तलाश में हैं, जिसको इस्तेमाल करके आप अपने बालों को नेचुरल तरीके से ब्लैक करना चाहते हैं? तो यकीन मानिए, आज का ये होम रेमेडी आपके लिए बेस्ट होगी। अगर आपको भी ग्रे हेयर की प्रॉब्लम है तो इस DIY को बनाकर इस्तेमाल करके देखिए, ये आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बनाएगा, आपके बाल हेल्दी भी रहेंगी और आपका नेचुरल तरीके से हेयर ग्रोथ भी होगा। अगर आप अपने बालों को काला बनाने के लिए मार्केट से कोई भी चीज उठाकर लगा लेते हैं तो यकीन मानिए, इसमें भर भर के केमिकल होता है, जिसको इस्तेमाल करने से आपको तुरंत तो रिजल्ट मिलेगा कुछ ही दिनों के लिए, लेकिन आगे जाकर आपके बालों की कंडीशन बहुत ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए आप इस तरह के केमिकल से बचें और हमेशा अपने लिए होम रेमेडी का इस्तेमाल करें, क्योंकि होम रेमेडी में बहुत पावर होता है, इसमें कोई भी मिलावट नहीं होता, इसलिए एक बार जरूर ट्राई करिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे लेना है कलंजी का पाउडर। अगर आपके बाल जगह जगह से काफी ज्यादा सफेद हो चुका है तो यकीन मानिए, एक कलौंजी आपके बालों को तेजी से काला बनाने में हेल्प करता है। अगर आपके बाल जलते हैं तो इसे भी बंद करता है, हेयर रीग्रोथ होता है, तो यहाँ पे कलौंजी का पाउडर इस्तेमाल करना बहुत ही जरूरी है। इसका पाउडर आप घर पर ही तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैंने किया है। आप इसमें लेना है 1 चम्मच करी लिप्स का पाउडर। इसके कितने सारे फायदे हैं मुझे नई तरीके से बताने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग अपने हेयर रीग्रोथ के लिए करी लिप्स का इस्तेमाल करते हैं। ये बालों के लिए वरदान होता है। ये आपके बालों को बस काला ही नहीं करेगा, ये आपके बालों को तेजी से लंबा भी करेगा। इसलिए इस तरह की रेमेडी आप जरूर इस्तेमाल करिए। आप इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, धीरे धीरे ये आपके बालों को इतना हेल्दी बनाएगा, बालों को रीग्रोथ करेगा। यकीन मानिए, आप अपने बालों को लेकर खुश हो जाएंगे। अब इसमें लेना है 1 चम्मच आंवला पाउडर। अब इन पाउडर के साथ कोकोनट ऑयल को मिक्स करना है। आप अपने हेयर के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना आपके बालों के लिए चाहिए होगा उतना ही आपको ऑयल लेना है। अगर आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे तिल का तेल, नहीं तो सरसों का ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। आप इसे इसी तरह से स्टोर कर सकते हैं, नहीं तो आप पाउडर को स्टोर कर लीजिए। जब भी आपको लगाना होगा आप तेल के साथ मिलाकर लगा लीजिए। आप चाहे तो अपने अनुसार ऑयल थोड़ा सा ज्यादा लेकर इसे पतला बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे पूरे बालों में अच्छे से अप्लाई करेंगे और इसे लगाकर कॉटन कपड़े की मदद से आप अपने बालों को अच्छे से कवर कर लीजिए, नहीं तो पॉलीथिन बैग से कर लीजिए। हफ्ते में 2 बार नहीं तो 3 बार कर लीजिए, नहीं तो आप जब भी अपने बालों को वॉश करने जाएंगे तब भी आप कर सकते हैं। इसे अपने बालों में 1 से 2 घंटा तक रहने दे, उसके बाद ही आप शैम्पू करेंगे। आपका शैम्पू बिल्कुल केमिकल फ्री होना चाहिए, हर्बल शैम्पू होना चाहिए। यकीन मानिए, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा और आप खुश हो जाएंगे अपने बालों को लेकर। और आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपके लिए DIY काफी हेल्पफुल रहेगा, और अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरह के हेल्पफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।